हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए। थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 12वां चैप्टर फिरौन का सूत्र इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें बात आती है त्रिभुज की। फिरौन का सूत्र किस पर लगता है? त्रिभुज पर, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ त्रिभुज की ही बात होगी। यहां पर बात होगी चतुर्भुज, यहां इसकी बात किसकी होगी? चतुर्भुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। कोई भी त्रिभुज है उसकी भुजाएं कितनी होती है? तीन। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? चार। कोई पहले इसकी बात करेंगे त्रिभुज। लास्ट कक्षाओं में हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में 1/2 × आधार × ऊंचाई। और भी पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़े थे। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ा था और समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार के हमने त्रिभुजों की चर्चा की लास्ट क्लास में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, समबाहु के लिए भी अलग, समकोण के लिए भी अलग। सबसे पहले देखो कोई भी त्रिभुज है भुजाएं तो कितनी रहनी है? तीन ही रहनी। समद्विबाहु त्रिभुज आ गया तो इसकी दो भुजाएं तो क्या होगी? समान होगी। और एक भुजा क्या होगी? अलग होगी। यही बात होगी। समबाहु की बात करें तीनों ही भुजाएं क्या होगी? समान होगी। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो करंट स्केयर इक्वल आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर, इस तरीके का आपने पढ़ा होगा। भुजाएं तो इसकी भी कितनी होगी? तीन। देखो इसके जो भी क्वेश्चन है हमें किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं? फिरौन के सूत्र द्वारा। चतुर्भुज की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले सिर्फ त्रिभुज की करें। फिरौन का सूत्र, फिरौन का सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई भी त्रिभुज हो जाए हमारे पास, देखो तीन भुजाएं मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। क्या कर लिया? तीन भुजाएं मान ली एक त्रिभुज की। त्रिभुज की तीन भुजाएं मान ली हमने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। फिरौन के सूत्र से अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले ज्ञात करोगे अर्ध परिमाण। S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन A टू। अर्ध परिमाण S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन A टू। यहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अपॉन में टू। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल फिरौन के सूत्र से क्या हो जाएगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इंटू में यहां पर क्या पड़ा है? एस। परिमाण क्या होता है त्रिभुज का? जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके चारों ओर एक चक्कर में क्या है की दूरी क्या होती है? हमारा त्रिभुज का परिमाण। तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है चाहे कोई भी त्रिभुज दिया हो, फिरौन का सूत्र ही इसमें चलेगा। सारा चैप्टर किस पर निर्धारित है? हमारा फिरौन के सूत्र। तो आपने समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज का वो फॉर्मूले यहां पर आपने काम में नहीं लेने। तीन भुजाएं दी है, अर्ध परिमाप निकालोगे और उसका क्षेत्रफल। अब बात करें अगर चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में आपके पास इसमें चार भुजाएं दी होगी। कितनी भुजाएं दी होगी? चार भुजाएं। और एक विकर्ण दिया हुआ डायगोनल, फोर साइड एंड वन डायगोनल, यानी चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ। इससे आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से? जैसे आपके पास मान लो ये चतुर्भुज, क्या मान लिए ये एक चतुर्भुज, इस भुजा को मान लिया ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी।
इसका हमें मान लो ये एक विकर्ण दिया, इसको मान लिया जी, समझिए। तो आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इसका ज्ञात करोगे इस त्रिभुज का अलग से ज्ञात करोगे, ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, इसको नाम देते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। तो ए बी सी का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से अर्धपरिमाप और उसका क्षेत्रफल, फिर ए सी डी का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का इसमें अर्धपरिमाप निकाल के फिर इस फॉर्मूले में मान रखोगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप जोड़ दोगे तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आएगा, चतुर्भुज। इस प्रकार विरोण के सूत्र से ही आपने इसके क्वेश्चन कर लिए। तो 12.1 के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ऐसा लिखा है, कोई एक यातायात बोर्ड है उस पर लिखा है आगे स्कूल है। 12.1 स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले बता दिया आपको इतने ही काम है। तो यह है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, इसमें बात किसकी कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, और भुजा समबाहु त्रिभुज की क्या बोल रहा है, स्मॉल ए। बात किस त्रिभुज की कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की, और भुजा उसकी क्या बोल रहा है, स्मॉल ए। आगे देखते हैं, किरण के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, किरण का सूत्र लगाना है आपने, ये भी इसने बोल दिया पहले। फिर आगे इसने दिया है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है, इसका परिमाप कितना बोल दिया उसने, 180 सेमी है, परिमाप कितना है 180 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हिरण के सूत्र द्वारा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले एक यातायात कोई बोर्ड था समबाहु त्रिभुज के का, जिसकी भुजा थी स्मॉल ए, हिरण के सूत्र से आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप दिया 180 सेमी। तो देखो सबसे पहले परिमाप 80 सेमी, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप एस इक्वल, यहां पर भुजा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए अपॉन बी। स्मॉल ए क्यों लिखा है, क्योंकि संभव त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान माप की, तो यहां से कितना आ गया 3a अपॉन बी, तो यहां से कितना आ गया 3a अपॉन बी, अर्ध परिमाप। अब उसने बोला है परिमाप 180 सेमी है, तो अर्ध परिमाप एस इक्वल कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप एस इक्वल, परिमाप का आधा करना है, परिमाप में 2 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा 180 बटे 2, यानी कितना आ गया 90 सेमी, कितना आ गया 90 सेमी। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहां पर 90, यहां से ए की वैल्यू याद कर सकते हैं, एस इक्वल कितना है 3a अपॉन में 2, तीनों भुजाएं की माप हम निकाल सकते हैं, एस की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल में 3a अपॉन में 2, तो यहां से 90 इंटू 2 इक्वल में 3a, तो a इक्वल 90 इंटू 2 अपॉन में 3, तो 3 30 इंटू 2, तो कितना आ गया 60 सेमी। तो इसका अर्थ है प्रत्येक भुजा किस माप की है, 60-60 सेमी, ये भी 60 की है, ये भी 60 की है, और ये भी 60 सेमी। अब हिरण के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो हिरण के सूत्र से त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरण के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल में रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, अर्ध परिमाप हमारा कितना आया 90 इंटू, यहां पर
बुझाए एबीसी यानी समबाहु त्रिभुज तीनों बुझाए समान है कितने ये 60 तो 90 माइनस 60 इनटू 90 माइनस 60 इनटू 90 माइनस 60 ये आप तो 90 इनटू 30 इनटू 30 इनटू 30 सॉल्व करते हैं इसको 90 के आया बाद में गुणन करेंगे 2 का भाग जाएगा इसमें 45 आएगा फिर 45 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यहां 15 बार 15 में फिर 3 का भाग देंगे 5 5 की ये 15 की ये 45 दूए 90 ये हो गया फिर 2 इनटू इसमें भाग देंगे 30 में 30 के आया बाद में गुणन इस प्रकार से करोगे भी आया बाद में 2 45 फिर 3 का जा रहा है 15 5 फिर 5 के इसी प्रकार से 30 के कर लोगे तो 2 का भाग जा रहा है 15 फिर 3 5 15 5 1 5 तो कितना है 2 इनटू 3 इनटू 5 इसका भी क्या होगा 2 इनटू 3 इनटू 5 और इस 30 का भी 2 इनटू 3 इनटू 5 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 4 बार आया है तो 2 बार रूट में से भाग 3 यहां पर 2 बार है तो यहां से निकाल लेते हैं फिर 1 2 3 तीन बार है तो दो बार तो एक बार तो बाहर आएगा एक बार किसमें रहेगा रूट में फिर 5 कितनी बार आएगा यहां पर 1 2 3 4 तो दो बार 5 बार आएगा रूट में क्या रहेगा देखो यहां पर 3 कितनी बार था 1 2 3 4 5 5 बार था तो दो बार बाहर आ गया एक बार किसमें रह गया रूट में तो 2 * 2 4 * 3 12 ये 36 5 180 5 900 तो 900 रूट 3 सेमी की स्केल तो हमारा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 900 रूट 3 सेमी की स्केल अब इसकी जांच बताता हूं यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपने जांच करनी हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट तीन बटे चार इनटू भुजा की स्क्वायर फॉर्मूले से देखिए ग्राउंड के सूत्र से मैं देखिए तो रूट तीन बटे चार इनटू भुजा यहां पर कितनी आएगी 60 की स्क्वायर तो रूट तीन बटे चार इनटू 60 की स्क्वायर 6 इनटू 6 36 2 0 तो कितना आ गया यहां से भी 900 रूट 3 सेमी की अगर ये हमें इसमें नहीं बोलता कि ग्रहण के सूत्र से ज्ञात करना है तो हम यहां पर ये सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।